हेलो बच्चों हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ नीट 2023 जिन्होंने नीट 2023 दिया था नीट यूजी 2023 दिया था एंड नाउ वी नो कि आप सभी का रिजल्ट आ चुका है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे स्कोर्स गेन किए हैं बहुत अच्छे स्कोर्स लेकर आए हैं वो सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड सेवन ट्वेंटी अमेजिंग रिस्पॉन्स अमेजिंग रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा मजा आया रिजल्ट देख के एंड नाउ uh, कुछ बच्चे निराश भी हो रहे होंगे कि हमारा स्कोर एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया तो डोंट वरी अभी जंग बाकी है अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी है बहुत सारे मेहनत के साथ नीट यू जी क्लियर करना है तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है अभी नहीं हुआ होगा हमें हिम्मत नहीं हारनी है ठीक है तो निराश बिल्कुल नहीं होना एंड आप भी खुशी मनाइए कि अब आपके पास और स्पिरिट आ गई है कि आपको आगे चल के क्या करना है नीट क्रैक करना है ठीक है सो नाउ कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल अब जैसे रिजल्ट आ गया आपको पता है हाँ अब क्या हो रहा है कि अब हम शुरू करेंगे काउंसलिंग के बारे में पता करने का है ना काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स हमें पता करनी पड़ेगी तो थोड़ी बहुत डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है यू कैन क्लिक ऑन दिस वीडियो जो इन्फॉर्मेशन में होगा तो आप देख लेंगे उसके साथ साथ ये वीडियो है जो आपको बताएगा कि चार इंपॉर्टेंट राउंड जो हैं काउंसलिंग में वो कौन से हैं कैसे एक राउंड के बाद दूसरे राउंड पे जाया जाता है कैसे काउंसलिंग होती है कितने राउंड्स हैं कितने राउंड्स की काउंसलिंग एमसीसी करता है कितने काउंसलिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद करती है तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में है

इन चार राउंड्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ सम रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड सिक्योरिटी फ़ी ठीक है आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो चॉइस फिलिंग के जस्ट बिफोर जस्ट पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होती है सेकेंडली आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी जनरल के लिए अलग है एंड फॉर अदर कैटेगरीज इट इज़ डिफरेंट तो अगर मैं बात करूं फॉर दीज

रजिस्ट्रेशन फी ठीक है रजिस्ट्रेशन फी इन सब के लिए दैट विल बी यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दैट विल बी रुपीज वन थाउजेंड ठीक है इसके अलावा अदर कैटेगरीज अदर्स की ये होगी बेटा फाइव हंड्रेड ठीक है ये तो हो गई किसके लिए ये सारी एंड वोट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है और इसकी रजिस्ट्रेशन फी भी ज्यादा होती है तो अगर आप सबके लिए अडेप्ट करते हो अगर आप सारी काउंसलिंग सिलेक्ट करते हो तो आपको एक हायर अमाउंट पे करना पड़ता है अगर आपके में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी सिलेक्टेड है तो आपको टू लैख अराउंड कोई अमाउंट जमा करना होता है कोई टू लैख के करीब आपको एक रजिस्ट्रेशन फी विथ सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करना होता है ठीक है तो ये तो था इन सबके लिए नाउ अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी तो ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इनकी जो रजिस्ट्रेशन फी है बेटा तो जो रजिस्ट्रेशन फी है दुपीस फाइव थाउजेंड दैट इज फॉर ऑल द कैटेगरीज ठीक है सारी कैटेगरीज के लिए एंड जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा टू लैख ठीक है तो जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो टू लाख होगा रजिस्ट्रेशन फी होगी फाइव थाउजेंड अब मैंने आपको ये तो बता दिया लेकिन व्हाट विल बी द सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ एम्स जिपमर एंड जो भी ओपन कोटा है जिपमर इनके लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी फी होगी दैट विल बी 10000 ठीक है ये होगी 10000 सो so, ओवरऑल हमें अगर रजिस्ट्रेशन करना है मगर रजिस्टर कर रहे हैं तो हमको इतना लगभग इतना अमाउंट वहाँ पे पे करना पड़ेगा जिसमें से जो सिक्योरिटी फी होगी वो रिफंडेबल होगी ठीक है ये अगर क्यों ली जाती है सिक्योरिटी फी ताकि आप अगर कोई अन एथिकल प्रैक्टिस करते हो तो उसकी पेनल्टी आपको देनी पड़े तो ये पहले से ही ले ली जाती है इन केस इफ यू डू एनी अनएथिकल प्रैक्टिस व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट टू डू इन काउंसिलिंग ठीक है वो वो बहुत ही ज़्यादा अगर इन अप्रोप्रिएट चीज़ आप करोगे जैसे कि सीट रख लेना और फिर हम कोई इलीगल सी चीज़ कर रहे हैं इन द एम सी सी काउंसलिंग तो आपको वो सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं मिलता है इसी वजह से ये लिया जाता है ठीक है अगर आप शांति से सीट लेते हैं अगर आप रूल्स के मुताबिक सीट लेते हैं तो आपको कोई भी आ, पेनाल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा जब आप कॉलेज करेंगे right. तो अब जैसे कि हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं राइट right? मतलब हम जो ओपन कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं दैट इज जो एमसीसी काउंसलिंग होती है तो उसमें हमें पता है एम्स जिसमें का? so, वो, वो तो में, जिस में से जैसे की राउंड वन राउंड टू और मोप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड तो अब ये जो चार राउंड है इनमें से जो तीन राउंड होते हैं वो एम सी सी के थ्रू कंडक्ट होते हैं मतलब कि एम कंडक्ट कराता है और इसके अलावा जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है इज कंडक्टेड बाय कंसर्न डीम यूनिवर्सिटी अब उसमें क्या होता है कि आपका जो भी जो भी एम के पास डेटा होता है कि भाई जो स्ट्रे वैकेंसी के लिए जो डेटा है वो क्या करते हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं किसको डीम्ड यूनिवर्सिटी को एंड वहाँ से फिर अपने

आपने जब फीस पे कर दी सिक्योरिटी अमाउंट भी पे कर दिया अब आती है बारी चॉइस फिलिंग की जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी तो आप उसको देख सकते हो कैसे पूरी प्रोसेस होगी जब आप जब आप काउंसलिंग स्केड्यूल रिलीज हो जाएगा एमसीसी का तब आप करोगे तो जैसे ही एमसीसी का काउंसलिंग स्केड्यूल रिलीज होगा आप क्या करोगे आप रजिस्टर करना शुरू करोगे तो आपके ऊपर होता है कि आपको राउंड वन में रजिस्टर करना है या राउंड टू में करना है या मॉपअप में करना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू ठीक है आपके स्कोर्स के हिसाब से अब आपने जैसे ही रजिस्टर किया फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करोगे चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपको सीट मिल जाती है तो इफ यू गेट द सीट इफ यू गेट द सीट अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है एमसीसी अगर आपको सीट अलॉट कर देता है आपका स्कोर अच्छा है लाइक like 700 एंड अबव ठीक है या फिर 690 अबव सिक्स नाइन्टी अब है और सेवन हंड्रेड है तो इसके अराउंड अगर फर्स्ट राउंड हो रहा है सपोज तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा दो कंडीशन आ जाएंगी अगर आपको मिल जाता है तो क्या होगा देखते हैं तो अगर सीट अलॉट हो जाती है आपको फर्स्ट राउंड में तो आप क्या करेंगे या तो आप ज्वाइन कर लेंगे ठीक है अगर किसी को एम्स मिल जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में तो कोई क्यों नहीं ज्वाइन करेगा एम्स डेली राइट तो वो ज्वाइन कर लेंगे ठीक है अब उसके बाद जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो दे uh, दे आर एलिजिबल फॉर द रिफंड जो उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया होता है वो उनको मिल जाता है अब इट डजेंट मैटर उन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला किया होगा या नहीं किया होगा उन्होंने जो भी अमाउंट किया होगा पे एज अ सिक्योरिटी वो उनको रिफंड मिल जाएगा ठीक है अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और आप सीट अपग्रेड करना चाहते हैं ठीक है अगर आप करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस आपकी हो जाएगी आपको सीट रिजाइन करनी पड़ेगी विद uh, जैसे कि राउंड टू होने से पहले आपको सीट सीट रिजाइन करनी पड़ेगी एंड आपकी अपग्रेड हो जाएगी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो क्या होगा अगर आप अपग्रेड uh, नहीं करना चाहते हैं तो सेम आप वही आपको वही आपको जो सीट मिली है वो मिली होगी अगर आपने ज्वाइन कर लिया है ये वो वाला केस है अगर आपको सीट मिली है और आपने वो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है तो क्या होगा तो ऐसा होगा कि आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा और आप रिफंड के लिए अभी भी एलिजिबल हैं फ्री एग्जिट का मतलब यह है कि आपने कुछ भी नहीं किया जो सीट मिली थी वो आपने देख ली ठीक है मिली है मुझे ये नहीं चाहिए तो वो सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिकली आपको आपका रजिस्ट्रेशन uh, प्रोसेस uh, तो हो चुकी है तो सेकेंड राउंड में आपका वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है कॉलेज तो ठीक है अगर आपने ज्वाइन भी कर लिया तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा अब वहाँ पे अपग्रेड वाली बात होती है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में देखना चाहते हो आप या फिर अपनी सीट अपग्रेड कराना चाहते हो मतलब कि सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई बेटर कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ पे एक फ्लोटिंग सीट होती है जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो आपको कॉलेज कॉलेज में बात करनी होती है all, uh, है एंड दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द ठीक वो आपको खुद के थ्रू वो प्रोसेस करनी होती है दैट इज एम उसमें कुछ नहीं होता तो अगर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए और एम के पास वो प्रूफ पहुँच गया है तो आप एलिजिबल uh, हो जाते हैं सीट अपग्रेडेशन के लिए ठीक है नेक्स्ट क्या है बेटा अगर आपको मिल गई तो तो ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं मतलब ये दो चॉइसेस होंगी आपके पास ज्वाइन करना और या फिर फ्री एग्जिट ले लेना ठीक है एलिजिबल फॉर रिफंड एंड फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग नो एक्शन रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस होती रहेगी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है कॉलेज तो ठीक है चलो अब क्या हुआ अब अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो क्या होगा अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई बेटा तो आप उनके जैसे माने जाओगे जिनका नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन होना है मतलब कि जिन्होंने नहीं किया था अब जो राउंड टू के लिए रजिस्टर करेंगे तो आपको सीट नहीं मिली कोई बात नहीं आपका सिक्योरिटी अमाउंट जमा है ठीक है अब क्या होगा कि आपका यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले लोगों का होगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो सेकेंड राउंड में ठीक है चॉइस फिलिंग के बाद अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है सपोज वो लोग जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है राउंड टू में और वो लोग जिनको राउंड वन में कॉलेज नहीं मिला था अब वो चॉइस फिलिंग करेंगे राउंड टू के लिए तो फिर क्या होगा तो फिर अब अगर उनको सीट अलॉट हो गई मान लो उनको सीट अलॉट हो गई तो फिर क्या होगा इफ दे हैव गॉट द कॉलेज नाउ व्हाट अब अगर उनको मिल गई है तो उनके पास दो ऑप्शन है मतलब हाँ में भी दो चीजें हैं क्या है बेटा एक तो ये है अगर ज्वाइन कर लिया कॉलेज अगर सीट अलॉट हुई थी वो ले ली तो आपके पास रिफंड आ जाएगा सिक्योरिटी अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा ठीक है और आपकी काउंसलिंग वहीं पे दी एंड खत्म हो जाएगी राउंड टू में आपका काम खत्म कॉलेज मिल गया रिफंड आपको मिल जाएगा अगर आपको सीट मिलती है लेकिन आप उस सीट का यूज नहीं करते हो अगर आप उससे एग्जिट लेना चाहते हो आप चाहते हो कि मैं और मोबाइल राउंड में भी देखूं तो क्या होगा बेटा वहां पे आपको जो एग्जिट मिलेगा वहां पे फॉर फीचर ऑफ द सिक्योरिटी अमाउंट मतलब वहां पे आपको फी पे करनी होगी वहां पे आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते ठीक है तो एग्जिट का मतलब क्या है बेटा पे आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है है वो ले ली जाएगी ठीक है? अगर आपको सीट मिलती है और आप नहीं लेते हैं तो आपको नहीं मिली वो अलग बात है लेकिन आपको मिलती है और आप आप ज्वाइन नहीं करते और आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो वहां पे आपकी सिक्योरिटी फी चली गई ठीक है अब क्या होगा अब इसके बाद कौन सा ऑप्शन बचा सीट मिल गई ज्वाइन कर लिया खत्म सीट मिल गई नहीं ज्वाइन किया एग्जिट ले लो रिफंड नहीं मिलेगा ठीक है एग्जिट ले लिया अब क्या बेटा अब ये लोग उनके माफ हो जाएंगे ये लोग वो हो जाएंगे जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी प्लस द तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अब मोपा ब्राउन के लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे ठीक है नाउ अब ये दोनों लोग जो हैं जो एग्जिट कर चुके हैं अपनी सिक्योरिटी फी गवा के और वो लोग जिनको क्या नहीं मिला सीट नहीं मिली वो लोग बिल्कुल सेम हो जाएंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है अब इन तीनों को क्या होगा अब ये तीनों लोग क्या करेंगे बेटा चॉइस फिलिंग करेंगे इनको तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनकी तो सिक्योरिटी फी गई है ना तो अब क्या होगा कि ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा ठीक है अब चॉइस फिलिंग होगी मॉपअप के लिए चॉइस फिलिंग होगी चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा चॉइस फिलिंग के बाद अगर आपको मॉपअप राउंड में सीट अलॉट हो गई अगर आपको मॉपअप राउंड में सीट अलॉट हो गई तो क्या है? बढ़िया है? ज्वाइन करो और अपनी फी को रिफंड पाओ ठीक है मतलब आपकी फी रिफंड हो जाएगी एंड काउंसलिंग का अगेन दी एंड काउंसलिंग खत्म ठीक है अगर आपने मॉपअप राउंड में सीट आपको मिल गई और आपने ले ली ठीक है चलो ठीक है काउंसलिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है अब आपको सीट मिली थी लेकिन आपने नहीं ली फिर क्या होगा फिर आप क्या कर सकते हो आप अगेन अपनी सिक्योरिटी फी गवा के बाहर निकल सकते हो ठीक है लेकिन आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे क्या नहीं रहोगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे जो कौन कंडक्ट कराएगा बेटा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा जो चॉइस फिलिंग करते वक्त आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी चॉइस ली थी एज अ चॉइस ली थी वो कराएंगे लेकिन अगर आप मॉप ब्राउन में सीट मिलने के बाद नहीं जाते हो तो आप उसके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो यू आर नॉट एट ऑल एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड ठीक है स्ट्रिक्टली नॉट एलिजिबल तो ये तो बात हो गई नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड ठीक है सो so, अब क्या अब अगर मिल गया तो ठीक है अब अगर नहीं मिला तो कॉलेज या फिर सीट अलॉट नहीं हुई तो क्या होगा बेटा देखो मिली आपने ज्वाइन कर ली बहुत अच्छी बात है आपको रिफंड मिल जाएगा नहीं मिली तो क्या होगा अगर आपको यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिलती है ठीक है अगर आपको यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिलती है ठीक है सीट अलॉट अगर आपको नहीं होती है तो क्या होगा यू विल बी एलिजिबल फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड ठीक है आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही अब लेकिन ये बात हो जाएगी कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलेंगी तो डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद उसकी काउंसलिंग करेगी तो अब अगर नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे सीट अलॉट हो गई यस यस में दो हैं ये चीजें ये ये आपको समझ में आ गई हैं, तो 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 अगर नहीं मिली है है? तो क्या? क्या तो अब देखते हैं, क्या होगा। तो आप वैकेंसी के लिए होंगे, ठीक है? तो, जो कौन कराएगा concerned university. Concerned university का मतलब वो है जो आपने चॉइस फिलिंग करते वक्त जो डीम्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी वो यूनिवर्सिटी हो सकता है आपने दो भी की हो तीन भी की हो तो कंसर्न डीम्ड यूनिवर्सिटी कराती है और अपना खुद का वो काउंसलिंग ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो कराती है अब क्या होगा कि अगर आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको seat मिल गए, अगर आपको आपको मिल गई, में बेटा अगर सीट मिल गई सीट यहाँ पे अगर आपको मिल गई तो क्या होगा अच्छी बात है मतलब जो लोग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसा सोचते हैं कि यार काश वैकेंसी राउंड में मिल जाए, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि मिल जाता है बट जो लोग इतना वेट करते हैं बट फिर भी अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिल जाती है तो आप ज्वाइन कर लेंगे एंड यूल बी एलिजिबल फॉर रिफंड आप यहाँ पे रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ठीक है एंड आपकी अगेन काउंसलिंग एंड हो जाएगी मतलब यहाँ पे काउंसलिंग का दी एंड हो जाएगा ठीक है अब अगर आपको उसमें भी सीट नहीं मिली सपोज अगर आपका वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ या कोई भी आपको कॉलेज सीट नहीं मिली तो क्या होगा बेटा तो काउंसलिंग तो खत्म हो जाएगी लेकिन आप रिफंड के लिए एलिजिबल जरूर होंगे तो आपकी काउंसलिंग एंड फॉर एमबीबीएस आगे चल के बी की या फिर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होगी लेकिन इसकी काउंसलिंग तो खत्म हो जाएगी एम की फिर होता है मॉपअप राउंड फॉर या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड फिर नर्सिंग के लिए भी आगे होता है वो वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी बट यहाँ पे अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी सीट नहीं मिली और आपने कोई भी एग्जिट नहीं लिया है किसी भी टाइप का एग्जिट नहीं लिया है तो क्या होगा तो आपको रिफंड आपका मिल जाएगा और काउंसलिंग यहाँ पे एमबीबीएस के लिए खत्म हो जाएगी ठीक है तो ओवरऑल मैं जो आपको बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि एट लास्ट यू विल बी हैविंग दिस स्टे वैकेंसी राउंड जिसमें चांसेस होते हैं सीट मिलने के उसमें भी नहीं मिलती है तो आपको रिफंड आपका मिल जाता है जो भी आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया था वाइल सिलेक्टिंग द काउंसिलिंग ऑल इंडिया कोटा ओपन कोटा ए एफ एम सी वट एवर जितने भी आपने सेलेक्ट किए थे डीम्ड यूनिवर्सिटी ई एस आई सी ठीक है तो ये सारी प्रोसेस है चार राउंड्स ऑफ़ काउंसलिंग मतलब फोर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग तो आई होप ये आपको क्लियर है राउंड वन राउंड टू मॉप अप एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड तीन राउंड एमसीसी कंडक्ट कराता है एक राउंड जो होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड वो कंसर्न्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी कराएगी ये वीडियो जो है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द नीट यूजी एलिजिबल स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट यू जी क्रैक किया है बहुत ही अच्छे नंबर से या फिर बहुत अच्छे स्कोर से तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचाइए उन तक ये वीडियो शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब टू वी एम सी नीट चैनल और इतने ही अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड विद सब्जेक्ट रिलेटेड ऑल द टॉपिक्स वीडियो कोई भी मिस ना हो सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर सो लास्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट टू यू ऑल बहुत अच्छे से काउंसलिंग की प्रोसेस करना फॉर्म एक ही बार फिल होता है काउंसलिंग की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी है बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर करनी है ठीक है क्योंकि वो आपको फॉर्म एक ही बार मिलेगा एक ही बार करना होगा रीसेट का ऑप्शन भी आपको एक बार ही मिलता है ठीक है तो अगर आप सोचो कि मैं बार-बार फिल करते वक्त क्या करूं दोबारा से रीसेट कर लूं तो वो भी नहीं होगा रीसेट का ऑप्शन भी आपको एक बार मिलता है रीसेट रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन होता है जहां पे आप काउंसलिंग वो करते हो सिलेक्ट करते हो दोबारा से अगर आपने डीन नहीं की है तो उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन कि अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो कृपया करके उसको लॉक ना करें एक पर्टिकुलर काउंसलिंग स्केड्यूल में डेट मिलेगी लेट द डेट कम एंड वो ऑटो लॉक खुद ही हो जाएगा तो आप काउंसलिंग लॉक ना करें क्योंकि आपके पास एक टाइम बच जाएगा अगर आपका बीच में माइंड चेंज होता है कि यार मुझे इस कॉलेज को या इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को मुझे ज्यादा प्रेफरेंस देना है तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो पाएगा ठीक है तो चॉइस लॉक मत करना उसको ऑटो लॉक होने देना सो दैट्स ऑल टुडे एंड आई होप ये आपको समझ में आई है तो प्लीज शेयर करना एंड कीप वॉचिंग वी एम सी नीट